चंदा, जब तक तू दिल से हमरा का स्वीकार ना करबू और हमरे साथ जिंदगी भर रहे खातिर तैयार ना होबू, तब तक हम यही जा ना सोए। सारा कहना ये सब तो उहे पुस्तैनी कहना होवे। चंदा, अम्मा जी, नहीं, छोड़ दो हमको, छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, कहाँ भाई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कोनो बुरा सपना देख ले लेगा? हम 2 मिनट खाते रूम में गए और आपके आंख भी लग गई। चंदा, हमको देर हो रही है, हमको निकलना है। ठीक है अम्मा जी, चलिए। सुनो, तुम हलवा बना लो। हेलो, हाँ, हम तुमको बताना भूल गए थे, घर के सुख शांति के लिए हम मन्नत मांगे थे, उसके लिए हलवा बनाना बहुत ही जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम हलवा बना के पीछे से आ जाना, ठीक है? हम निकलते हैं। अम्मा जी, अगर हलवा बनाए किया तो 10 मिनट दी ना, हम 10 मिनट में हलवा बना दे, उकरे बाद आपके साथ चलब। बस रुक। चंदा, हमको बहुत देर हो रही है, हमको निकलना पड़ेगा। ये घड़ी कौन मैसेज कर रहा है? अम्मा जी, कहा भाई, सब ठीक था है ना? हाँ, सब ठीक है। चंदा, हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, हमको आराम करना था। नहीं, कहाँ हो गई लम्मा जी? अनाथ आश्रम? हुआ, हम बाद में जाएंगे, ठीक है? तुम जाओ, जाके पहले हलवा बनाओ, जाओ। अब अम्मा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं, कि आपके खातिर कुछ दवाई लेके आई का? चंदा, हलवा बनाओ, जाके जाओ। हे भगवान, क्या मुसीबत है! आखिर ये वीडियो हमको कौन बना के भेजा? कौन है जो हमरे ही घर में घुस करके हमरा वीडियो बनाया? इससे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर कौन हो सकता है? इतना तो साफ है कि कोई बाहर वाला नहीं, जो भी है वो घर का ही है। लेकिन किसका इतना हिम्मत हो गया कि नीला देवी का वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करें? जो भी है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो घर का ही भेदी है जो हमरे लंका में आग लगाना चाहता है। जो भी है, लेकिन बहुत खतरनाक है। सबसे पहले ई गहना को ठिकाना लगाना होगा, उसके बाद ई आदमी को भी ठिकाना लगाना पड़ेगा। जो नंबर से मैसेज आया है उस पर कॉल करके देखते हैं।
क्या बकवास है? फोन बंद करके बैठ गया है। जो भी है हम उसको ठिकाना लगा के रहेंगे। कौन? अम्मा जी, हमें दरवाजा खोली ना। ये लड़की ना हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। जब देखो अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी। आ जाओ। का है? हमरा के लागल के आपके तबियत ठीक नहीं के इसे हम आपके खातिर शूज लेके आई नहीं है ली ना। अम्मा जी हमें को बात पूछ सकते हैं का? कौन जरूरी बात है तो कहो, नहीं तो हमरा माथा मत खराब करो। जरूरी बातें हैं अम्मा जी। अम्मा जी हम बाहर देखने के आपके मोबाइल में कोनो मैसेज आए उकर बाद आप बहुत परेशान दिखाते हैं। कोनो बात हो गई लेका? सब ठीक था हाँ ना अम्मा जी? आप अचानक से आश्रम जाए का प्लान भी कैंसिल कर देने तो भाई तो ना। चुप, एकदम चुप। हम तुमको समझाए थे ना कि हमसे ढेर सवाल मत करना, कहे कि हमको ढेर सवाल करने वाला लोग एकदम में पसंद नहीं। और एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा अगर तुम हमसे कोनो सवाल पूछने की हिम्मत की ना तो हम तुमको यहां से निकाल देंगे। अब जाओ यहां से। अरे डर गई का तुम? रुद्र जी आप? काजल अब बस भी करो, कितना काम करोगी? घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, थोड़ा उनके लिए भी छोड़ दिया करो काम। थोड़ा शरीर का ख्याल रखो अपना। अब का करे, काम तो करना होगा ना, नहीं तो हमको बिस्तर पर सिलवट पसंद नहीं है। अच्छा वो ठीक है, लेकिन सुनो हम तुम्हारे लिए ना एक बहुत बढ़िया चीज लेके आए। आओ तुम्हारे लिए ना हम कुछ लेकर आए। आओ आओ बैठो। अरे डरो नहीं, ये देखो हम तुम्हारे लिए काला है, ये लो। ये दवाई का है? अरे पहले पकड़ो तो। अरे पगली ये विटामिन का गोली है। एक बात पता है तुमको, औरत लोगों में ना बहुत एक खास बात होती है, वो हमेशा अपने परिवार को अपने से आगे रखती है। हमारा मतलब है कि दिन भर घर गृहस्थी में कोल्हू के बैल की तरह खटते रहती है, और इस चक्कर में ना वो अपना ख्याल नहीं रखती। तुम्हारे सेहत का ना बहुत फिकर हो रहा था, तो इसीलिए हमको लगा कि काजल को विटामिन का गोली देते हैं, वो खाएगी जिससे उसका शरीर में एनर्जी बना रहेगा। क्या बात है रुद्र जी, आज आप हमारा बहुत ध्यान रख रहे हैं। अरे पगली हम तो तुम्हारा ध्यान बहुत पहले से रखते हैं, और तुमको तो पता है ना काजल, हम ना वो लवी लवी वाला ना प्रेम में विश्वास नहीं करते हैं। अरे वाह, फिर से ऐसा ना, मजा आ गया तुम्हारा ये मुस्कुराहट देखकर। आज सच कहें हमारा दिल ना एकदम बाग बाग हो गया, एकदम सुकून मिला बहुत हमको दिल को तुमको मुस्कुराते हुए देख करके। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। सच बोलो ना। हम एकदम सच बोल रहे हैं। इधर देख के बोलो ना। एकदम सच बोल रहे हैं। अरे हमको बहुत ही अच्छा लगा ये सुन करके। हमको अपने ये सुधरे हुए पति परमेश्वर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्यों पहले सुधरे हुए नहीं थे? नहीं नहीं रुद्र जी, हमारा वो मतलब नहीं था। ठीक है काजल, अब तुम जाकर के ना एक टेबलेट खा लो, हम कपड़ा चेंज करके आते हैं, ठीक है? हाँ।
हम तो इतना सावधानी के साथ सब काम किए थे, फिर सब कैसे हो गया? कौन है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो हम दुनिया को नहीं दिखाएं, तो तुम्हारे पुश्तैनी गहनों में से आधा हिस्सा हमरा अगर मंजूर है तो जवाब दो, ना मंजूर तो तुम कर ही नहीं सकती हो। हमको पहले ये पता करना होगा कि आखिर है कौन। क्या हुआ दीदी, ऐसे डर काहे गई? हम है ना। वैसे अब जा कहां रही थी? दीदी इतना परेशान काहे हैं और कहां जा रही थी आप? हमरा गहना के बारे में किसी को पता चल गया है, और हमको ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल कर रहा है? कौन ब्लैकमेल कर रहा है दीदी? अरे रानी, ही तो हमको खुद ही नहीं पता है कि कौन है, लेकिन जो भी है वो ये घरे का है। ये तो बहुत डेंजरस है दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं वो कहीं हम लोगों को अभी देख रहा है? नहीं नहीं, अभी यहाँ पर कोई नहीं है। तो फिर आगे क्या करेंगी, क्या सोची हैं आप, कैसे पकड़ेंगी उसको? ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। कहे हमारा जी बहुत ज्यादा घबरा था, अम्मा और दादी से बात भी ना भईला, फोन करके देखी का अम्मा का फोन काहे ना लगा था, कितना दिन हो गई अम्मा दादी से बात कही लगे। अरे बैठा बैठा, हम तुहार परेशानी समझत बाने। हमार बात भइल रहे बुआ जी और दादी जी से, दोनों लोग बिल्कुल ठीक बाने, तुहरा बारे में पूछ रहे बाने। हम उन लोगों के बोल देने कि रउआ लोग अपने बिटिया चिंता बिल्कुल ना करें, अब राउर बिटिया हमारे घर के बहू बा और ऊपरे ऊपर बहुत ढेर सारी जिम्मेदारी बा सबके संभाले के बा, तो हमार बात सुन के वो लोग बिल्कुल खुश हो गए हैं। रुद्र जी देखे ना कोई आया है? रुद्र जी। अरे कौन आया इतनी रात को, यार जाके खोल दूंगा दरवाजा, काहे टेंशन लेते रहते हो, नींद भी खराब सोने भी नहीं देता कोई। अम्मा जी, मौसी जी, रुद्र, रुद्र, रुद्र। अरे क्या हुआ अम्मा, इतनी रात को क्या हो गया?
लगता हमरा हमरा प्रेशर लो हो गया है। लगता है दीदी का शुगर लेवल कम हो गया है। अरे तुम खड़े खड़े मुंह का देख रही हो, जाके नींबू पानी ले आ, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल देना, उससे शुगर लेवल बढ़ जाएगा। जाओ जी मौसी जी, मां भी लेकर आते हैं। बोलिए मां, इतनी रात को कौन सा अर्जेंसी आ गया? तुमको कैसे पता कि हम बीमारी का नाटक कर रहे थे? आफी का बेटा है अम्मा, आप डाल डाल नाम पात पात। इसीलिए तो हमको तुम पर गर्व है रुद्र। लेकिन खैर उस सब बात छोड़ो, ये बताओ कि ये मैसेज काम का करें? हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जवाब दे कि नहीं दे, क्या करें? अरे जवाब तो देना होगा ना अम्मा, ऐसे थोड़ी ना कोई वीडियो बना करके आपसे मजाक कर रहा होगा। एक काम कीजिए अम्मा, आप मैसेज टाइप कीजिए, मंजूर है, पता तो चले कि कौन है, उसके बाद हम सब संभाल लेंगे। इससे दीदी को कोई खतरा तो नहीं ना? अरे मौसी, आप लोगों को हम पे भरोसा नहीं है क्या? हम बोले ना कि हम सब संभाल लेंगे। अम्मा टाइप कीजिए, लिखिए मंजूर है, लिखिए ना, लिखिए भेजिए उसको। भेज दिए ना, अब हम लोगों को ना उसका जवाब का इंतजार करना होगा। या तो फोन करेगा या मैसेज करेगा। और आप भी नम्मा एक बात का ध्यान रखा कीजिए, क्या जरूरत है आपको अकेले उगाना को बोरी में रखने का? अरे हमको बुला लेती, मौसी को बुला लेती, वो कहावत सुनिए ना, एक से भले दो। चंदा, जब तक तू दिल से हमरा का स्वीकार ना करबो और हमरे साथ जिंदगी भर रह खाते तैयार ना होबो, तब तक हम यही जा ना सोए। हम एक औरत का परेशानी समझत बानी, एक औरत खातिर कितना मुश्किल होला केहू के स्वीकार करे खातिर जेकरा वो ना जाने। और हमार केस तो बिल्कुल ही विचित्र बा, जौन माधव बाबू के तू प्यार कैलू, अब ओकर चेहरा बदल गई। अगर पति के देह पर कोनो और आदमी के चेहरा आ जाए, कोनो औरत स्वीकार ना करे। हम तो हार दुविधा समझता नहीं, तू कोनो चिंता ना करो चंदा, हम तो हार पूरा ध्यान रखा।